बाबा आप अर्चना या ना आतिया ना। हाँ या बाबा आ बेटिया। नमस्ते। नमस्कार या ना। बस आओ। कैसे हैं आप? बस बापा की कृपा है। दरअसल मैं आपको न्योता देने आया था, कल गणेश चतुर्थी है तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे घर बप्पा के दर्शन और प्रसाद के लिए आए। जी जरूर आएंगे हम लोग, वैसे हम लोग भी आपके घर आने ही वाले थे आपको निमंत्रण देने। मतलब आपके घर में भी? जी हमारे घर भी गणपति बप्पा की स्थापना होती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कितने दिन के होते हैं गणपति? गौरी गणपति दोनों असतर। बाबा मुझे अर्चना से कुछ बात करनी है, क्या मैं बात कर सकता हूँ? जयवन बेटे, तुम अर्चु के होने वाले पति हो, अगर तुम अर्चु से बात करना चाहते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, ये तो तुम्हारा हक है बेटे। थैंक यू बाबा। बैठो अर्चना। एक्चुअली अर्चना तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी थी, शादी से पहले मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। अर्चना प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे लगता है कि शादी के बाद हम दोनों का एक ही फैक्ट्री में काम करना सही नहीं होगा। देखो अर्चना, मैं जानता हूं कि जिस पोस्ट पर मैं हूं उससे कई ऊंची पोस्ट पर तुम हो, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी पोस्ट का सैक्रिफाइस करो। मैं खुद ही नौकरी छोड़ दूंगा और कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। नहीं जयवंत जी, आप ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। जयवंत जी मैंने आज तक ये बात छेड़ी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो ये नौकरी आप नहीं मैं छोड़ूंगी। लेकिन अर्चना। नहीं जयवन जी, मैं अपने लिए कुछ और सोच लूंगी, और वैसे भी मेरा वहां काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप भी वहां होंगे और मानव भी, तो और वैसे भी धर्मेश जी आपको बहुत मानते हैं, आपके लिए इस फैक्ट्री में आगे बहुत सारा स्कोप है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे इस रिश्ते की वजह से आपको अपने करियर में कोई भी प्रॉब्लम देखना पड़े। तुमने खुद नौकरी छोड़ने की बात करके मेरे मन के बोझ को हल्का कर दिया। मेरे लिए तो ये कंपनी छोड़ना डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं शुरुआत से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं इस कंपनी को सीधी बनाकर कामयाबी की ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ। अर्चना, हमने जो नई मशीनें मंगवाई हैं ये उनकी डिटेल्स हैं। तो मेरी कंपनी से बात हुई है, गणेश विसर्जन के दूसरे दिन मशीनें यहाँ पर पहुंच जाएंगी। अर्चना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सती जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। शायद मैं कुछ दिन बाद ही नौकरी छोड़ दूंगी। सती जी मैं सोच रही थी कि मैं शादी के बाद इस्तीफा दे दूँ। अचानक से ये फैसला क्यों? देखो अर्चना, पहले भी तुम जॉब छोड़ने की बात कर चुकी हो, पहले भी तुम्हारे इस फैसले से मैं सहमत नहीं था और आज भी नहीं। इतनी मेहनत के बाद तुम आज यहाँ पर पहुंची हो, और अब? सतीश जी, जयवंत नहीं चाहते कि हम शादी के बाद एक ही कंपनी में काम करें। अरे ये कौन सी शर्त हुई? जयवंत इतना पढ़ा लिखा होकर के ऐसी बातें करता है, मैं बात करता हूँ उससे। सतीश जी, जयवंत ये नहीं कह रहे कि मैं जॉब ही ना करूं, वो सिर्फ ये कह रहे कि हम एक कंपनी में काम ना करें ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सतीश जी अगर ये बात हम दोनों के बीच रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। देखो अर्चना, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लो। हम किसी भी चीज के बारे में जितना सोचते हैं ना सतीश जी,
तो हमारी सोचने की ताकत और हिम्मत खत्म हो जाती। आओ चाह, जब तक गर्म है तब तक ले लीजिए। सुबह से 3 बार बना चुकी हूँ। मंजू, पुन्नी को छुट्टी है कि नहीं स्कूल को? ये विनोद अभी तक नहीं आया। आई सॉरी, आते आते देर हो गई। वो गणपति की वजह से ट्रेन में बहुत रश है ना, और सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, मेरे तो नाक में दम आ गया। अच्छा ये बताओ बाबा, तैयारी कहाँ तक पहुँची? अरे तैयारी अभी चल रही है, काम तो बहुत है, क्या करें। भाई तुझे पता है धर्मेश ने अपने यहाँ पर गणपति की बहुत बड़ी पूजा रखी है, और उसने फैक्ट्री के बाहर एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया है गणपति जी की स्थापना के लिए। अच्छा, वैसे भी धर्मेश बहुत ही धार्मिक लड़का है, और गणपति बापा की कृपा से अपनी जिंदगी में सफल भी है। सच, हमारी वैशु बहुत किस्मत वाली है कि उसे ऐसा ससुराल मिला। अच्छा सुन विनोद, गणपति बापा के पीछे मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा चक्र लगाए, अच्छा लगेगा, तो तू जाकर लेकर आएगा? आई, मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा आई, मैं अभी जब घर वापस आ रहा था तो नाके की दुकान पे एक मैंने बहुत सुंदर मंदिर देखा था, मुझे लगता है वो आखिरी पीस है, वो लेके आऊँ? हाँ हाँ, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम्हारा मन है ना तो लेकर आओ। दादा आप अभी अभी आए हो ना, आप थक गए होगे, मैं जाकर लेकर आती हूँ। अरे लेकिन तुझे कैसे पता कि इसने कौन सा पसंद किया है? आई अभी तो दादा ने कहा ना कि एक ही पीस बचा है, तो मैं ले आऊंगी। ठीक है। दादा जी, इसमें थोड़ा बड़ा पीस है। इसमें थोड़ा बड़ा मंदिर वो आखिरी पीस था, वो बिक चुका है, और सारे काफी मंदिर है ना, आप देख लीजिए। नहीं दादा, मुझे इसमें ही थोड़ा बड़ा पीस चाहिए था, अगर है तो देखिए ना प्लीज। आपने आने में 5 मिनट की देरी कर दी है, ये मंदिर अभी अभी उन साहब ने खरीदा है। लाइए दादा मंदिर। सर, आपका खरीदा हुआ मंदिर ताई को पसंद आया है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो ये मंदिर मैं ताई को दे दूं, आपको मैं दूसरा मंदिर पैक करके देता हूं। नहीं दादा कोई। हाँ ठीक है, दे दीजिए। नहीं शुक्रिया सर। गणपति की पूजा का सामान खरीदने आई हो ना? अभी भाई खरीदने आया हूं। घर में तो सब बहुत खुश होंगे ना, गणपति बप्पा रे, आई तो बहुत ज्यादा ही खुश होंगी। तुम्हारे घर पे भी तो सब बहुत खुश होंगे ना। चौल में मंडप भी लगा होगा ना, वहां आरती भी होगी, उसके 10 दिन बाद विसर्जन, तुम आओगी उस पूजा में? पता नहीं मैंने। ये लीजिए ताई। ये लीजिए भैया। शुक्रिया। मैं चलती हूँ माना। ए पुष्पा, ये तो प्रभा की होने वाली बहू है ना? आईगा, ये तो अर्चना ही है। चलो अर्चना, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मानव, मैं चली जाऊंगी। अर्चना बहुत सामान है, मैं छोड़ देता हूँ आप। बड़ी कमाल की लड़की है ये, एक तरफ तो जयवंत से शादी कर रही है और दूसरी तरफ अपने पहले पति के साथ मेलजोल भी बनाए रखा है। मानव, श्रावणी अब ठीक है? हाँ। कब की तारीख तय हुई शादी की? अनंत चतुर्दशी का दिन तय हुआ है।
वो जयवंत, मेरा मतलब है उनका बर्ताव अभी। अच्छे, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं मानव? हम लोग उस दिन पति पत्नी के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे, वो मैंने सुना था। नहीं मानव, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला मेरा ही है। एक बार नौकरी छोड़ दूंगी तो सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। जयवंत सर ने बोला? नहीं मानव, उन्होंने कुछ नहीं कहा। रिश्तों की मांग थी वो मैंने पूरी कर दी। सही फैसला किया था। थैंक यू मानव। मानव मैं यहीं उतर जाती हूँ। दादा यहीं रख दो साइड में। चलो दादा। एप्लीकेशन दिया था एज अ रिसर्च एंड मार्केटिंग मैनेजर। गेस व्हाट, वहां से लेटर आया। एंड यू नो व्हाट, 1200 कैंडिडेट्स में से जो 100 शॉर्टलिस्ट हुए उसमें मेरा नाम है। दे हैव कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू। कांग्रेस वर्षा। थैंक यू आई। आई ये देखिए ना। वाह, दैट्स ग्रेट। सच में वर्षा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है तुम्हारे लिए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिलेगी अपने आप को साबित करने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 साल का जो ब्रेक मैंने लिया था अपने करियर में वो सफल हो गया। आइए सेलिब्रेट करने के लिए हमें बाहर चलना चाहिए डिनर करने। पक्का, वी मस्ट सेलिब्रेट। ओहो, ऐकला का? हेलो। ओहो, ते जरा फळ मोजून घ्या हो, किती आहेत ती? बाब, मैंने 5 फल लाने के लिए कहा था, यह 2 फल कम है, नारियल भी नहीं है। शांत रहा। आणि विड्याची पाने सुद्धा आणलेली नाहीत। कुठे गेला जयवंत? का असं अर्धवट काम करतो तो? आणणार आहे तो, सांगितलंय त्याला मी। ठीक आहे। अरे पालन आणले जयवंत, पहिले दिन के प्रसाद के लिए कुछ मिठाईया भी लाने थी। आठवण आहे बाबा, मोहल्ला के लड़कों के हाथ से भेज दिया लिस्ट बना के, उस लिस्ट में लिख दिया मैंने। ओके गुड। अरे वो और पहले दिन के लिए हमें वो केवड़ा और दुर्वा लगेगा उसको, वो बताया ना? देपन ली ले, तू चिंता ना कर। जब से तू बड़ा हुआ है मैं चिंता करना सोडून दिला है। सब तू ही तो देखता है, कोई फंक्शन हो कुछ भी हो। अग भाई पुष्पा, तू ये ना, ये। अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई हैं। काकी कैसी है तुम्हें? मी मजे, तू कैसा है? चल रहे। ये टाइम पे क्या तुम लोग बोलो। हेलो, तुला एक गोष्ट सांगायची। हां मां बोल ना। मैंने अभी भी तेरी बहू को देखा, उसके पहले पति के साथ मार्केट में घूम रही थी। हाँ प्रभा, हम लोग 20 साल से एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों ही एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ देते आए हैं। तेरे साथ और जयवंत के साथ कुछ बुरा हो मैं नहीं देख सकती, इसलिए तुझे ये बात बताने चली आई। अभी तू ये बात जयवंत को मत बताना, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन एक बात तो है, अर्चना का अपने पहले पति के साथ इस तरह का मेलजोल ठीक नहीं है। वो अब नया रिश्ता जोड़ने जा रही है तो पुराना तोड़ती क्यों नहीं? तो कुछ कर प्रभा इस मामले में। गणपति बप्पा। मंगलमूर्ति होरिया। गणपति बप्पा होरिया। मंगलमूर्ति होरिया। गणपति बप्पा होरिया।
गणपति बाप्पा होर्या, गणपति बाप्पा होर्या, गणपति बाप्पा होर्या। के आगमन से दुख के अंधकार का विनाश होता है। मेरी प्रार्थना है आपसे, मेरी बेटी की जिंदगी से दुख का अंधकार दूर कीजिए। विसर्जन तक का समय देता हूं मैं आपको, कोई ना कोई चमत्कार दिखाइए। ये लीजिए प्रशांत, जब गणपति पापा घर में आते हैं तो माहौल कितना पवित्र हो जाता है ना घर का। हाँ, और खास करके आरती के बाद। ये मुझे भी। तुमने लिया था ना? बिल्कुल नहीं। पता है सतीश, मैंने पापा से क्या मांगा है? क्या? यही कि जिस तरह से तुम दोनों ने इस साल ना गणपति पापा की सेवा की है, उसी तरह अगले साल मेरा पोता भी ना गणपति पापा की सेवा करे। आई फिर वही बात, मैंने आपसे कहा ना, मैं फिलहाल बच्चे बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अब जब मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपको मैंने पहले वर्षा, वर्षा, सतीश, आई? मुझे तुम्हें कुछ बताना है बेटा। पिछले कई दिनों से वर्षा की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रही थी कि पिल्स के साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बेटा उसे लेके जाओ, चेकअप करवाओ उसका, मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, मैं पहले उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। हाँ। डॉक्टर, प्रॉब्लम क्या है? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, इससे इनकी वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ मिसेस वर्षा, तुम तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने वाली पिल्स ले रही थी ना? जी डॉक्टर। बीच में कुछ गैप आया था? हाँ, शायद एक दो बार मिस हो गया था। ओह, ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इसी का नतीजा है। क्या प्रेगनेंसी? यस मिसेस वर्षा, यू आर प्रेग्नेंट। आप माँ बनने वाली हैं।